सारे जंगल की नीलामी है और रामा स्वामी जी यहाँ? किसी में इतनी हिम्मत नहीं जो रामा स्वामी के खिलाफ बोली लगाए। अरे इसीलिए तो जंगल के सारे ठेके रामा स्वामी जी को मिल जाते हैं। जगन्नाथपुर की जंगल की सारी लकड़ियों का सौदा हमारा हो गया। ये लीजिए एडवांस 50,000 रुपए। रामा स्वामी जी, नीलामी में एक आदमी आया और उसने बोली लगाई और उसको सारे जंगल का ठेका मिल गया। पता लगा किसने बोली लगाया? मैंने बोली लगाई है रामास्वामी, मैंने। कौन रे तू? लम्हों का भंवर चीर के इंसान बना हूं, एहसास हूं मैं वक्त के सीने में गड़ा। शेर को तो शेर सुनाता नहीं, मैं पृथ्वीराज का एक पैगाम देने आया हूं। क्या हो गया, कंगाल हो गया? उसको भी दौलत का बहुत भूख बढ़ गया क्या? हमारे पृथ्वीराज आम आदमियों में से नहीं है। इस साल भूकंप में 30-40 हजार आदमी मारे गए। हमारे पृथ्वीराज को इस खबर से ज्यादा दुख तब पहुंचा जब उन्होंने ये सुना कि मरने वालों के जिस्म से सोने और चांदी के जेवरात नोचने के लिए उनके हाथ पांव तक काट दिए गए। हमारे पृथ्वीराज को इंसानों से ज्यादा इंसानियत के मरने का अफसोस हुआ और उन्होंने ये जो कुछ भी किया है इंसानियत के लिए किया है। अगर तुम ये वादा करो कि जंगल के गरीब मजदूरों के साथ इंसानियत से पेश आओगे और उन पर कोई जुल्म नहीं करोगे तो राजा साहब के हुक्म से ये सारे ठेके तुम्हें वापस किए जा सकते हैं। ए पृथ्वीराज, मारने का नहीं, तू पृथ्वीराज का वफादार कुत्ता ना रे, तेरे को मारेगा मैं। बोल रे पृथ्वीराज, किधर रे, किधर रे? उसे कहीं से पता चल गया होगा कि आप आने वाले हैं, इसलिए डर के नहीं आया होगा। बड़ी बात करने से कोई बड़ा नहीं बन जाता। ए, तेरा इतना छोटा मुंह, तू इतना बड़ा बात बोला, तू पृथ्वीराज का बाप बन गया क्या रे? ए नकलू, गधा घोड़ा का बात मेरे को समझाता रे, अन्ना को समझाता साला बेवर्सी। मापा क्या रे तू? गधा घोड़ा मापा तू? अपने आप को तू घोड़ा समझता क्या रे? काटू क्या तेरे को साला कतिगुड़मा? देख मैं तेरे को कैसा गधा बनाता है। सब तोड़ डालो। राजा साहब, रामा स्वामी ने हमारे फार्म हाउस पर हमला कर दिया, हमारे सारे आदमी जख्मी कर दिए। कुछ कीजिए राजा साहब, वरना वो हमारे फार्म हाउस को तहस नहस कर देगा। जब हम मुस्कुराते हैं तो दुश्मनों के दिल दहल जाते हैं। रामा स्वामी, हमारी जमीन पर कदम रखने से पहले तुम भूल गए कि औरों की जमीन और हमारी जमीन में क्या फर्क है। औरों की जमीन सिर्फ जमीन है और हमारी जमीन एक गर्दिश। औरों की जमीन खोदोगे तो उसमें से मिट्टी और पत्थर मिलेंगे और हमारी जमीन खोदोगे तो उसमें से हमारे दुश्मनों के सर मिलेंगे। हम चाहते हैं कि तुम्हारे बदन पर तुम्हारा सर सलामत रहे। नसीहत है कि तुम अपनी गर्दन को जरा मुलायम रखो। रामा स्वामी, इसे आखिरी वार्निंग समझना।
तूफान चाचा, तमाम शहर वालों की तरफ से हम राजा साहब के हुजूर में एक फरियाद लेकर आए हैं। हम सब चाहते हैं कि राजा साहब इस शहर के मेयर बने। हाँ खान चाचा, वैसे तो वो इस शहर के बादशाह हैं। बस यूं समझ लीजिए खान चाचा, हम लोग उन्हें ताज पहनाना चाहते हैं। जंगल के शेर को कोई ताज नहीं पहनाता, लेकिन फिर भी वो बादशाह ही रहता है और लोग उसे मानते हैं। बादशाहों में सबसे बड़ा बादशाह वही होता है जो बेताज बादशाह हो। हमारा अर्जुन बेटा मेला देखने आया है, हट जाओ सब लोग, हट जाओ, देखो कितना अच्छा मेला है। राजू बेटा, तुम बर्फ खाओगे? हाँ। अच्छा बाबा, इनको एक बर्फ का गोला बना दो। देता हूँ। देखो अर्जुन, कितने सारे ऊंट हैं यहाँ पर। एक और। अच्छा तू भी बर्फ लेगा? नहीं। बर्फ नहीं लेगा, क्या लेगा? खिलौना। खिलौना लेगा, अच्छा ठीक है। राजू बेटे, तुम एक काम करो, तुम यही ठहरो, बर्फ खाओ और ऊंटों को देखो। हाँ, मैं इसका खिलौना लेकर आता हूँ। अब जाना मत कहीं पर, यही ठहरना। जी आप लोग परशुराम जी के आदमी हैं? हाँ हाँ, बोलो क्या काम है। वो क्या के मेरे को उनसे बहुत इम्पोर्टेंट काम होना। परशुराम जी से मिलना है तो पहले डागा जी से मिल लाऊं, क्योंकि वो उनके दाहिने हाथ भी हैं और दोस्त भी। अगर वो चाहेंगे तो परशुराम जी तुम्हारा काम फौरन कर देंगे। वो रहे डागा साहब। हाँ। लेकिन जरा बच के रहना, पैसे दबा के लेंगे। जे कोई दूसरा तरकीब बताओ जी, उनका उनका कोई वीक लूज पॉइंट? हाँ वीक पॉइंट है, वो अपनी बहन से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और वो उसके लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। वो भी तुम्हारी कोई सिफारिश नहीं कर सकती। वो काहे को जी? क्योंकि अभी वो 5 साल की है। एकदम गुड़िया जैसी। बहुत क्यूट मजाक करता ब्यावर सी। मैं डायरेक्ट मिलता परशुराम को। जाओ चलो चलो चलो। हमारा नाम प्रशांत है। जब ये प्रशांत गांव की गरीबी में सिकुड़कर परशु बन गया, तब अमीर से इंतकाम लेने के लिए हमने हथियार उठा लिया और फिर परशुराम बन गया। बोलो रामास्वामी, अपनी तकलीफ बयान करो। अयो मेरा ऊंट पे बैठा बादशाह, मैं लूट गया, मैं बर्बाद हो गया जी। वो कमीना पृथ्वीराज मेरा टेका चीना ना, आपको कमीना पृथ्वीराज का खून कर दो जी। अयो मेरा संसार का जगन्नाथ, मेरा मदद करो जी, मेरा मदद करो जी। सर जी मैं कुछ भी करने को तैयार जी। सर जी प्लीज, सर जी मैं बहुत उम्मीद लेके आया ना सर जी। जानते हो रामास्वामी, इस शहर में पृथ्वीराज ही एक ऐसा आदमी है जो हमारे सामने अपनी गर्दन ऊंची किए फिरता है। हम तो उससे कब का महाभारत कर चुके होते, लेकिन हर बार डागा ने हमें मना कर दिया कि इस तरह लड़ाई से क्या फायदा। लेकिन अब तो लगता है रामास्वामी के इस लड़ाई में फायदा ही फायदा है। वाह भाई साहब वाह, पहली बार आपने एक अच्छा फैसला किया है। बहुत खूब डागा, हम इस ऊंट पे बैठे, इस ऊंट में कोई दम नहीं है। अब हमारी आन बान और शान की बात है। हर साल की तरह इस साल भी ऊंट की रेस में जीतना है, हर हालत में, हर कीमत पे। अगर हम एक काम करें तो इस रेस को हम जीत सकते हैं। क्यों ना हम ऊंट पर एक बच्चे को बैठा। बच्चा? हाँ। ये ठीक रहेगा, ये बच्चा तो पहले से ही रो रहा है। अभी ऊंटों की रेस शुरू होने वाली है, अब आप सब लोग अपने अपने ऊंटों को स्टार्टिंग पॉइंट पर लेकर आए। हटो भाई, हटो, क्या कृपया सब लोग अपने अपने ऊंटों को एक लाइन में लगाए। यहाँ पर एक बच्चा। अब सब लोग रेस के लिए बिल्कुल तैयार रहे। यार एक बच्चा खड़ा हुआ था, कहाँ है वो? आदमी लगा उसको। रेस शुरू हो।
मालूम नहीं कहा, देखो वहीं कहीं होगा। उतारो उसको। हमें तो हर हाल में ही जीतना था डागा, हम खुश हुए, अब हम जा रहे हैं अपना इनाम हासिल करने। अच्छा भाई साहब, डागा साहब वो बच्चा तो मर गया। कौन सा बच्चा? वही जिसे ऊंट पर बिठवाया था आपने। राजू, 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 ये क्या कर दिया मेरे बच्चे को? राजू, ए राजू, ए होश में है राजू, राजू, राजू मैं तो अर्जुन के लिए खिलौना लेने गया था राजू, राजू होश में है राजू, होश में है, तुझे क्या हो गया? राजू, राजू, तू मुझे छोड़कर चला गया राजू, तू मुझे छोड़कर चला गया, तू मुझे छोड़कर चला गया। मुझे नहीं मालूम था कि बच्चा मर जाएगा, कर जो होना था वो तो हो ही चुका है, ये लो 25,000 रुपया। पहले तो अपनी मर्जी से इसे ऊंट पर बिठाकर इसकी जान ले ली, और अब अपनी मर्जी से इसकी जान की कीमत भी लगा रहे हो। देखो ये जो कुछ भी हुआ है परशुराम जी की मर्जी से हुआ है। वो अपना इनाम लेने के लिए अभी अभी यहां से गए। परशुराम, रुक जाओ परशुराम, मेरे पास सुनो परशुराम, मेरे पास परशुराम, तुम्हें इनाम देने की तो फुर्सत है, लेकिन इस लाश पर एक बूंद आंसू बहाने की भी फुर्सत नहीं। जिसको बलि चढ़ाकर तुमने आज की ये रेस जीती है, तुम जालिम हो परशुराम, तुमने जुल्म किया है। और याद रखना, बड़े से बड़े जालिमों के जुल्म से बड़ा होता है एक गरीब का इंतकाम। मैं तुमसे इंतकाम लूंगा परशुराम, याद रखना, मेरा नाम बलवंत है परशुराम, मैं इंतकाम लूंगा परशुराम, मैं तुमसे इंतकाम लूंगा, मैं तुमसे इंतकाम लूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। बधाई हो परशुराम जी। परशुराम जी आपसे मुझे एक बहुत छोटा सा काम है। परे हट, हम कोई छोटा काम नहीं करते, खटमलों को मार मार कर खून जमा करने से ब्लड बैंक नहीं बन जाता, पेट पूजा करते हैं। आई शाबाश, अब अपना जोड़ीदार नजर आया, अब पंजा लड़ाने का मजा आएगा। जंगल में एक बात बहुत अच्छी होती है, और वो ये कि जब दो शेर आमने सामने खड़े हो तो भेड़िए उनके आस पास नहीं रहते। तुमने हमारा नाम जरूर सुना होगा, परशुराम।
हमारे बारे में मशहूर है कि हम लोगों की शादियां भी कराते हैं और श्राद्ध भी। शादी और श्राद्ध, ये दोनों काम करने की पुरोहित मजदूरी लेता है। अगर तुम भी ये दोनों काम करते हो तो मजदूरी ही तुम्हारा पेशा रहा। ये मत भूलो कि आज का दौर मजदूरों का दौर है और आज का मजदूर अपने पांव की ठोकरों से बड़े बड़े बादशाहों की तकदीर लिखता भी है और मिटाता भी। हम उन बादशाहों में से हैं जिन पर किसी भी दौर का असर नहीं होता, क्योंकि हमारी सल्तनत की सरहद इंसानियत की दहलीज से शुरू होकर रहम और ईमानदारी के इलाके से गुजरती हुई दिल के दरवाजे पर खत्म होती है। हमारी पृथ्वी में अमन और चैन की फसलें मुस्कुराती हैं जो हम मजदूरों में बांट देते हैं। तुम भी कभी चले आना। अजी हम प्यारे मित्रों, हमें खेद है कि कार्यक्रम शुरू होने में कुछ समय लगेगा। क्यों ना वक्त गुजारने के लिए कुछ खेला जाए। सुना है आपको शतरंज के अलावा ताश खेलने का भी शौक है। शौक तो हमें बहुत से हैं, लेकिन कौन सा किस वक्त और कहां किया जाए इसका फैसला करना पड़ता है। तो क्यों नहीं इस वक्त फैसला ताश के हक में ही कर लिया जाए। चलिए खेल लेते हैं। लबे हमें काटने की आदत है, इसलिए हम इसे काटेंगे। आप हर चीज बांटते रहते हैं, इसलिए इसे भी आप ही बांटिए। आपने हमारे हाथ में ताश क्या दे दी, ये समझिए बाजी दे दी। आप ये क्यों भूल जाते हैं कि काटेंगे हम। लो काटो। तीन तीन उठाओ। मारे गए, लेकिन पृथ्वीराज कभी हारे नहीं। इक्का ईंट का, चिड़ी का, हमारे हुक्म का, तीनों इक्के एक साथ छह। ये कैसे हो सकता है हुजूर? परशुराम, नेकी में बड़ी बरकत है। प्रिय सज्जनों, आज उस रेस का जो मुकाबला हुआ उसमें जो भी लोग शामिल हुए, हमारी कमेटी उन सब का शुक्रिया अदा करती है। आज के हमारे चीफ गेस्ट हैं इस शहर के मसीहा और बेताज बादशाह श्री पृथ्वीराज। आइए तशरीफ रखिए। जब से इस शहर में ऊंट की रेस का मुकाबला शुरू हुआ है, तब से उसे एक ही शख्स लगातार जीतता आया है और वो है श्री परशुराम। और श्री परशुराम जी ने इस बार भी रेस जीत ली है। इस इनाम को हासिल करने के पीछे तुम पर एक लाश का कर्ज है। तुम अपना फर्ज पूरा करो। ये हम जानते हैं। हाँ गुड़िया, बस देखती जा। हाँ कितनी सुंदर दिख रही है। हाँ देख। हाँ बस। हाँ हाँ, अरे वाह गुड़िया गुड़िया। अरे ए एक मिनट गुड़िया, एक मिनट। भाग
गुड़िया, गुड़िया। सोचा तो ये था कि परशुराम से इंतकाम के साथ साथ जो कमी मेरे बेटे की मौत से हुई है वो मैं तुझसे पूरी कर लूंगा। चाहता तो ये था कि मैं तुझे आंसुओं की तरह आंखों में छिपाए रखूं, मगर तुझे आंसू की तरह टपका कर जाने को मजबूर। इतनी रात गए इस मासूम को यहां कौन छोड़ गया? ओ हो, ओ, 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 दूर दूर तक तन्हाई की गर्दो गुबार है चाचा जानी, कोई साया नहीं, कोई सहारा नहीं, कोई हमारा हमें पुकारने वाला नहीं, वीरानी ही वीरानी। ये वीरान तन्हाई एक दिन हमें खा जाएगी चाचा जानी, ये वीरान तन्हाई हमें एक दिन खा जाएगी। पृथ्वीराज, पृथ्वीराज, तेरी वीरान जिंदगी को एक सहारा मिला है, तेरी वीरान जिंदगी को एक सहारा मिला है पृथ्वीराज। जो शख्स तेरे कदम पर पड़ा है इसे अपने हाथ में उठा, अपने हाथ में उठा, सीने से लगाकर अपने घर के अंदर ले जा, परवरिश करके जवान कर, इसे खिलखिलाता देखकर खुशियों से भरी तेरी एक नई जिंदगी शुरू कर। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। देखो सारी हवेली को रोशनी से जगमगा दो, अब चारों तरफ रोशनी ही रोशनी, चारों तरफ रोशनी ही रोशनी, तेज ही तेज, तेज ही तेज। अब हम इस बच्ची को तेजस्वी के नाम से पुकारेंगे, तेजस्वी के नाम से। भाई साहब, हमने शहर का चप्पा चप्पा छान मारा है, उसका कहीं पता नहीं चला। ऐसा लगता है कि वो आदमी ये शहर छोड़कर कहीं और चला गया है। गुड़िया नहीं मिली तो फिर किस लिए जीना, किस लिए जीना, फिर किस लिए जीना? ये तमाम शोहरत, ये लड़ाई झगड़े, ये दुश्मनी आज से तुम संभालो बाबा, आज से तुम संभालो। हम तो बर्बाद हो गए, हम तो लुट गए, हम तबाह हो गए ठगा।
चीता। चीता? अरे किसकी चीता, किसकी अड़ती? तुम साफ साफ बता दे क्यों नहीं? वो जंगल का चीता, चीता। जंगल का चीता? हाँ। घबराओ नहीं, मैं अभी देखता हूँ। मैंने तुम्हें कहा था ना वैन में बैठने के लिए, फिर क्यों चली आई? चलो। कुत्ता पालने वाली लड़कियां तो बहुत देखी हैं, लेकिन चीते का कान पकड़ने वाली लड़की तो पहली बार देखी है। ये जरूर किसी टार्जन के घराने से संबंध रखती है। अरे तुमको नहीं मालूम, ये पृथ्वीराज की बेटी तेजेश्वरी है। दोनों साथ मिलकर नहाएंगे, आजा। प्यार से गले लग जा तो रानी बना दूंगा, नहीं तो पानी पानी कर दूंगा। तुम्हें कितनी बार कहा है इस तरह खुले में नहाया मत करो, अब तुम बच्ची नहीं रही। अरे सुनो तो। क्या है? वो लोग कह रहे थे ये लड़की का रेप कर देंगे, रेप कर देंगे। ये रेप क्या होता है? मुझे नहीं मालूम। अरे सुनो ना, ये कोई बुरी चीज होती है? नहीं, बहुत अच्छी चीज होती है। अच्छी चीज? सुनो ना, तुम एक काम करो ना, तुम मेरा रेप कर दो। देखो तुम मेरे बचपन के दोस्त हो, लेकिन तुमने मेरा एक भी बार रेप नहीं किया। आज तुमने मेरा रेप नहीं किया ना, तो बलवंत चाचा से तुम्हारी शिकायत कर दूंगी। हाँ हाँ कह देना। अरे नहीं 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 मोहन, नहीं, मेरे बाबा को इसके बारे में कुछ मत बताना प्लीज। चाहो तुम्हें माफ किया। अर्जुन जी, बेटा मैं शहर जा रहा हूँ, अपना ख्याल रखना। ये बात आप मुझे बचपन से कहते आ रहे हैं। बाबा मैं बच्चा नहीं रहा। तुम्हारे बड़े भाई को मैंने खो दिया है, तुम हो तो जी रहा हूं। अगर तुम्हें भी कुछ हो गया तो ऐसा कोई नहीं जिसके सहारे मैं जी सकूंगा। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत दिनों तक जीना चाहता हूं, मगर इतना जरूर है कि मरने से पहले अपनी बहू जरूर देखना चाहूंगा। चल
अरे वाह, क्या बात है। इस घोड़े को तो 5-6 आदमी भी काबू नहीं कर पाते थे। मैं अड़ियल से अड़ियल घोड़े को भी काबू में करके उसके पांव में नाल ठोक देता। आपने 5 घोड़ों के नाल ठोके, उसकी मजदूरी। अच्छा खान चाचा, चलता हूँ। अरे भाई, इतनी दूर से तुम इस शहर में सिर्फ राजा साहब का काम करने आते हो? हाँ ये सच है। और फिर पैसे भी गिनकर नहीं लेते? ये भी सच है। लेकिन क्यों खान चाचा? कई जगहें ऐसी होती हैं जहां मजदूर अपने पसीनों की बूंदें गिना नहीं करते। लेकिन बरखुरदार, अपने पेट को तो रोटी गिनकर खिलाते हो ना? शाबाश। अच्छा चाचा, चलता हूँ। अगले महीने आना मत भूलना। आपको राजा साहब ने याद किया है। तुम अपना कुछ सामान भूल कर जा रहे हो। अरे हाँ, मैं अपना थैला भूल गया था। मगर धुंधले शीशे के पीछे से आपने कैसे जान लिया कि मैं कुछ भूल गया हूँ? जब हमने तुम्हें तुम्हारे घोड़े की तरफ जाते देखा तो हमने समझ लिया कि तुम्हारे कांधे पर कोई बोझ नहीं है। अगर कुछ बोझ होता तो तुम्हारे चलने में कुछ झुकाव पैदा हो जाता। वाह राजा साहब वाह, आपने भी क्या बात कही है। बलवंत, तुम यहां जब कभी आए कुछ ना कुछ भूल कर ही गए। मेरी ये बहुत बुरी आदत है राजा साहब, भूल जाने की, और ये सुधरने वाली भी नहीं, क्योंकि आपके यहां जो भी कुछ छोड़ जाता हूं वो वापस मिल जाता है। कभी ऐसा ना भी हो, अगर हमारे घर पर कोई बेशकीमत खजाना भूल जाए तो हम उसे खिलौना समझकर लौटा देंगे, लेकिन अगर हमारी दहलीज पर कोई आंसू बहाकर चला जाएगा तो हम उन आंसुओं को कैसे चुनेंगे और कहां से लौटाएंगे? राजा साहब, अपने आंसुओं को वापस लेने आता ही कौन है? कोई नहीं आएगा। अच्छा चलता हूं। खुदा करे अपने आंसुओं को वापस लेने के लिए कोई हमारे पास ना आए। हेलो सर। नमस्कार। भाई साहब, आज मैंने शहर के सारे छोटे मोटे बॉसेस को बुलाया। मैं चाहता हूं कि सब मेरे अंडर काम करें। ये मीटिंग कामयाब रहे इसलिए मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। शहर में ढिंढोरा पिटवा दिया होता कि जो तुम्हारी बात नहीं मानेगा वो ऊपर से 9 इंच छोटा कर दिया जाएगा, यानी कि सर धड़ से अलग। इतनी जरा सी बात के लिए मीटिंग वगैरह किस लिए? भाई साहब, आप तो अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं पहले मकड़ी की तरह जाल बिछाता हूं और जब शिकार उसमें फंस जाता है तब शिकार करता हूं। बहुत खूब, हम खुश हुए। भगवान करे कि सब तुम्हारे जाल में फंस के शिकार हो जाएं, और जो तुम्हारा शिकार नहीं हुआ वो हमारा शिकार होगा। अरे भाई, दागा सब आ गए। दोस्तों, आप लोग किसी न किसी गली, किसी न किसी मोहल्ले, किसी न किसी धंधे के बादशाह हैं। हम लोग जीते तो बड़ी शान से हैं, लेकिन मरते कुत्ते की मौत है। हम लोग या तो एक दूसरे को गोली मार देते हैं या पुलिस हमारा मछलियों की तरह शिकार कर लेती है। सिट डाउन प्लीज। अगर आप लोग मेरे अंडर काम करने लगे तो मेरा यह वादा है कि आप लोगों की इनकम 10 गुना ज्यादा हो जाएगी और आप लोगों की जिंदगियां भी सेफ हो जाएंगी। बोलिए, आप लोगों को हमारी बात मंजूर है? हाँ मंजूर है, बिल्कुल मंजूर है। नहीं, मुझे मंजूर नहीं है। शेर के दुम बनकर जीने से अच्छा है कुत्ते का मुंह बनकर जीना। अयो अम्मा, मैं पैसे के लिए आपके पांव का जूता नहीं बन सकता। आप 2 मिनट के लिए मेरे पास आइए, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं।
आपको जो कुछ कहना है सबके सामने कहिए, इसमें छुपाना क्या? मर गया हमारा, हमारा यार मर गया, मेरा यार मर गया। बचकर भागने न पाए, मार डालो हराम चौधे को। अयो पृथ्वीराजा, पृथ्वीराजा मेरा धर्म राजा, मुझे बचाओ जी। अयो मुझे बचाओ जी, मुझे बचाओ जी। देखो शमशान का कुत्ता के माफी हमारा चीरपाड़ करेगा जी। अयो टकलू महाराज मुझे बचाओ जी, इसे बाहर निकालो। अयो जी देखो जी, मुझे राजा से मिलाओ जी, मेरा सिफारिश करो जी। अयो साहब उधर नहीं है। अयो मारा और मारो जी, और मारो मेरे को। मैं बहुत बड़ा आरामी जी, बहुत बड़ा ब्यावर जी, बहुत बड़ा सूती है जी। मुझे महाराज से मिलाओ जी। याद है तुमने मुझे पट्टे वाला कुत्ता बोला था और ऐसे ऐसे हिलाया था। अयो हम इसको गर्मी में पट्टे वाला कुत्ता बोला जी, माफ करो जी। तुम कहेगा कुत्ता, हम कांदानी कुत्ता जी, ना घर का ना घाट का। हमारा हालत देखो जी, हमको महाराज से मिलाओ जी। और सुन, तुम्हें याद है तुमने मुझे टकला बोला था? अयो जी वो दिन गर्मी था ना फार्म हाउस में जी, इसलिए हम तुमको टकला बोला। तुम जी उस्तरा लाओ जी, हमको भी टकला करो जी। हमारा कांदान टकला हो जाएगा, हमारा बच्चा टकला होगा। मुझे माफ करो लेकिन मुझे महाराज से मिलाओ जी। ए चुप। देखो जी अब हम शरणार्थी, और शरणार्थी को अगर शरण नहीं देगा ना जी तो तुमको पाप लगेगा। हमको महाराज से मिलाओ। चुप, ज्यादा बकबक मत कर। राजा साहब उधर है, जाकर मिल ले। चल जा। रुक जाओ, अब आगे बढ़ो। शर्ट उतारो। हम कहते हैं शर्ट उतारो। शाबाश। शाबाश शाबाश। जाओ पेंट उतारो। देखते क्या हो, जल्दी करो। ठीक है। शाबाश। टांगे ऊपर करो, टांगे ऊपर करो। भी देखना पड़ा। हिलना मत, बिल्कुल मत हिलना। अरे भाग गया। अरे ये क्या कर रहे हो, जागे ऊपर सर नीचे, जैसे आसमान गिरा और तुम उसे रोकने की कोशिश कर रहे हो। अरे देवा पीट गया। आयो राजा साहब, ये क्या बोलते राजा साहब? आपने ऑर्डर दिया मैंने किया, मैंने हुकुम माना। आपने बोला शर्ट उतारो, मैं शर्ट उतारा। आपने बोला पैंट उतारो, देखो मैंने अपनी इज्जत उतारा। अरे अरे वो तो अपने कुत्ते को हुक्म दे रहे थे। लेकिन सर अभी हमारा हालत देखो सर, एक नंग पारी कुत्ते को माफित सर। वो दाग और परशुराम का आदमी आएगा, हमारा चमड़ी निकालेगा और अपना कुत्ते का जैकेट बनाएगा सर। अरे रामा स्वामी, तुम इस हालत में देखकर तो हम पहचान ही नहीं सके। मैं सर, मैं रामा स्वामी सर, तुम मेरा स्वामी सर, मुझे बचाओ सर। तुम मेरा बाप, मेरा बाप तुम सर, मुझे बचाओ सर, मुझे पना दो सर। राजा साहब यही है वो जिसने परशुराम से मिलकर आपको मारने का प्लान बनाया था। ये आपका जानी दुश्मन है राजा साहब। इस वक्त ये हमसे पनाह मांग रहा है। भाईचारा या दुश्मनी पनाह की हदों से बाहर है। रामास्वामी तुम सब कुछ भूल कर ये समझो कि फिलहाल पृथ्वीराज की हिफाजत में हो।
मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि पृथ्वीराज अपने दुश्मन को पनाह देगा। ये हुई ना मर्दानगी, कसम से इस शहर में उस जैसा कोई मर्द नहीं। अरे डागा भाई, तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए कि तुम्हारी बीवी तुम्हारे ही सामने किसी और को मर्द बोल के तारीफ कर रही है। तुम्हें चुल्लू भर पानी में नहीं डागा भाई, पृथ्वीराज के खून में डुबकी लगा लेनी चाहिए। और अगर तुमसे ये मैटर नहीं संभलता हो डागा भाई, तो हमसे बोलो, पृथ्वीराज का डायरेक्ट रिश्ता जमराज से कर देते हैं। बाबा, अंकल ठीक ही तो कहते हैं। अंकल ये चलिए भाई साहब, ताश खेलते हैं, आइए। यानी कि हम समझ गए कि तुम डायरेक्ट चिड़िया को नहीं मारोगे, पहले तुम जाल फेंकोगे, फिर दाना डालोगे और उसके बाद चिड़िया फंसाओगे। हेलो, अगर आप इस शहर में शरीफ लोगों के बादशाह हैं, तो मैं इस शहर में काला धंधा करने वालों का बादशाह। अगर तुम दोनों बादशाह हो तो फिर हम यानी कि बादशाहों के बादशाह हैं। हमारा सबके साथ सही सलूक रहता है। मैं भी सबके साथ बराबर का सलूक करता हूं। फिलहाल तो मैं आपसे मिलना चाहता हूं। कोई फरियाद हो तो महल तक चले आना। बस यूं ही समझ लीजिए कि मैं एक फरियादी की हैसियत से आपसे मिलना चाहता हूं, लेकिन आपके महल में नहीं, महल के बाहर। जहां भी आप कहेंगे वहां मैं आ जाऊंगा। तुम्हारी यह जरूरत हम जरूर पूरी करेंगे, हम तुमसे जरूर मिलेंगे। बहुत देर से आए हैं। इंसानियत जरा देर से आती है। अरे, अरे, कमाल हो गया राजा साहब, आपके आते ये बदबू कहां चली गई है? ये सब कैसे हो गया? उधर जरा ऊपर देखो, पहले हवा का रुख उत्तर से दक्षिण था, अब पूरब से पश्चिम हो गया। अच्छा है। चाहते क्या हो? मुझे रामास्वामी चाहिए, वो मेरा मुजरम है। जो भी हमारी पनाह में आता है वो बेपनाह हो जाता है, ये हकीकत वक्त की पेशानी पर लिखी जा चुकी है और ये अमित है। राजा साहब, अगर रामास्वामी मेरे हवाले नहीं किया गया तो वक्त की पेशानी पर यह भी लिखा जाएगा कि हमारी आपस की रंजिश दुश्मनी में बदल गई है और फिर शायद ये दास्तान खून से लिखी जाएगी। रंजिश और दुश्मनी, तुम तो अब तक ये भी नहीं समझ सके कि बदबू कहां से आ रही थी। इस नदी से। नदी शौक चंचल और खूबसूरत होती है, लेकिन बदनसीब इंसान की गंदगी इसमें बहती रहती है। और तुम इस नदी की तरह हो। चंद लोग ऐसे भी होते हैं जो इस पुल की तरह इस गंदगी के ऊपर से गुजर जाते हैं। जब तक रामास्वामी मेरे कब्जे में नहीं आ जाता, आप यहां से नहीं जा सकते। अपने पीछे देखो। नमक हरामो, तुम लोग मेरे ही आदमी होकर मुझ पर रिवॉल्वर उठाए हुए हो। डागा साहब, खाली पेट ने हमें आपका आदमी जरूर बना दिया है, लेकिन इंसाफ के लिए हम बार बार राजा साहब के पास ही जाते हैं। हमें क्या मालूम था कि आप राजा साहब पर गोली चलाने के लिए हमें लाए हैं। अब अपने दाएं देखो, तुम फरियादी की तरह मिलना चाहते थे, खूब मिले, तुम्हारी फरियाद पूरी कर दी। अरे वाह, बड़े मियां, सवेरे सवेरे कहां चले गए थे भाई? आपने तो सुबह से कुछ खाया ही नहीं, शुरू हो जाइए। बिल्कुल मूड नहीं है। हाय, मूड की ऐसी कि तैसी। बड़े मियां, आपके लिए हमें खास चॉकलेट लेकर आए। चॉकलेट? जी हाँ, ऐसा चॉकलेट जिसे देखते ही आपका पेट भर जाए। रामास्वामी की लाश? क्या कैसे? रामास्वामी एक चूहा था। जब पृथ्वीराज तुमसे मिलने गया तो रामास्वामी डर गया और उसके फार्म हाउस से निकल भागा। हम तो बस इस इंतजार में थे।
लेकिन लेकिन भाई साहब, आपको आपको ये अंदाजा कैसे हो गया कि वो वहां से भाग निकलेगा? जिस तरह बेवफा महबूब कभी एक दिल में नहीं रह सकते, उसी तरह चूहे कभी एक बिल में नहीं रह सकते। तालियां। अरे मेरे चपड़ गंजो, 99 कन्याओं का तो कल्याण कर दिया है, कोई एक अच्छी सी और बताओ तो सेंचुरी पूरी हो जाए। वो भी हो जाएगी बॉस। हाय। कॉलेज में कोई हसीन लड़की बची नहीं है क्या बॉस? ते जल्दी भेज। अर्जुन गरीब है और गरीब की नजर हमेशा अमीर के पैरों पर होती है, इसलिए उसने तुम्हारे पैरों के नीचे कालीन बिछाया। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो जबरदस्ती गले लगा के तुम्हें पानी पानी कर दूंगा। फिलहाल तुम्हारे खूबसूरत बदन की मैं आरती उतारूंगा। बस ऐसा तो कोठे की तवायफ के साथ किया जाता है। तुम लोग डरो नहीं, मैं यहाँ हूँ, आओ। मैं पृथ्वीराज की बेटी हूँ, तुम जैसे तीन चार कमीनों को मार दूं तो वो कुछ नहीं कहेंगे। और अब तुम लोग इसको जिंदा देखना चाहते हो तो अपने अपने जूते चप्पल ऊपर फेंककर इसको मारो, वरना मेरा चीता ऊपर चढ़कर इसको चीर फाड़ देगा। वन। जूता मत फेंकना। अरे नहीं फेंकेंगे तो बॉस को चीता खा जाएगा। टू। अरे हमने तो क्लासिकल म्यूजिक टीचर बच्चू लहरी को बुलाया था, आप कौन है? शार, आमी बच्चू लहरी, म्यूजिक टीचर। अरे आपको तो क्लासिकल डांस करना चाहिए था, आप ब्रेक डांस क्यों कर रहे हैं? शराब की कोड़ेगा शार, कड़ेगा की बाहर में एक तो चीता है शार, हमको देख के क्या शार, हम तो खुद ही पूरा ब्रेक होते होते बचा है, बहुत मुश्किल से यहाँ पर पहुंचे शार। अरे वो कुछ नहीं करेगा, वो पालतू चीता है। जाने दो, आओ बैठो। जोल खबर शार, एक्सक्यूज मी शार, आप फिल्मों में म्यूजिक डायरेक्टर थे, आप यहाँ क्यों आए? दादा की कोड़ेगा, कोड़ेगा की, अभी शाला जो फिल्म लाइन का लोग है वो फिल्म लाइन वाले का गान मारता है। क्या? दादा गान बोले तो गाना, वो बंगला में गाना को गान बोलता है ना। ओ अभी हम गाना इंपोर्ट किया दादा, अफ्रीका से गान ले आया, अमेरिका से ले आया, यूरोप से ले आया, पर ये लोग वो गाना भी हमारा मारा है। की बोल के कि बाचुदा का जो गान है एकदम बहुत टेस्टफुल है। की कोड़ेगा दादा, ये कंडीशन में एडजस्ट करना एकदम कठिन है, फ्रस्ट्रेट हो गया हम, तब छोड़ के यहाँ आपका शरण में आया है दादा। ए दादा हमको ले ना, अपना शरण में ले ना, लेगा ना? अभी दादा हमको किया के पूरा विश्वास है कि के कॉलेज में हम जब डांस सिखाएगा तो कोई भी शाल हमारा गान गाना कैसे मारेगा, नो चांस। बच्चूदा आपकी नौकरी पक्की, आप जाके क्लास ज्वाइन कीजिए। 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
गई है। वो चाहिए देखो देखो पहले। बाबा लग गया। अरे भाग गया। अरे छुट्टा कोई। अरे जल्दी जाओ किसी डॉक्टर को बुलाओ प्लीज। लो डॉक्टर जल्दी। अरे अरे ये क्या कर रहा है? देख देख छोड़ो। नहीं। अरे मोड़ेगी। घबराने की जरूरत नहीं है। मैं उसका बेटा हूं जो अड़ियल से अड़ियल घोड़े के पांव में भी नाल ठोक देता है और फिर इसके पांव तो बहुत नाजुक है सर, ठीक हो जाएंगे। सुनो, ना डिंगे मारने की जरूरत है और ना ही एहसान जताने की, ये रही तुम्हारी मजदूरी। तुमको तो पैसे नहीं लेने थे यार, तुमने तो पैसे लेकर अपनी नाक कटवा दी। तुम्हें तो रुपया उसको मुंह पर फेंक कर मारना चाहिए था, जैसा कि फिल्मी हीरो करते हैं। अबे मैं हीरो नहीं, आशिक हूँ। ये रुपए उसे लौटाऊंगा जरूर, लेकिन मेरा अंदाज कुछ अलग होगा। तुमने कभी हमारे पांव के नीचे कालीन बिछाया तो कभी हमारे पांव के लिए पाजेब लाए? हमें खुशी है कि तुम अपने आप को हमारे पांव के लायक ही समझते हो। और ये भी याद रखो, हम उस मकाम पर हैं जहां तुम्हारे सर से ज्यादा ऊंचाई पर हमारे पांव रहते हैं। मैडम, जिस तरह का कपड़ा आप पहनती हैं, इन कपड़ों में आप सर से ऊंचाई पर मती रहा कीजिए वरना। अरे यार कुछ बोलो तो सही, कहां ले जा रहे हो हम सबको? पहचानते हो, ये तेज का बंगला है। अरे हाँ यार, फिर पूछता क्यों है? आज मैं पाजेब उसके पांव में बांधने जा रहा हूँ। सुना है वो यहाँ नहीं है, शहर चली गई है। अरे वो ठीक कहता है यार। हाँ यार। चुप। अगर वो यहाँ नहीं है तो वापस चले जाएंगे, लेकिन एक बार देख तो लें। तुम लोग सब यहीं ठहरो, मैं अंदर जाकर आता हूँ। ओके ओके यार। सॉरी सीता जी, मुझे पता नहीं आपका कमरा। अरे काटा है? अरे घबराने की जरूरत नहीं, मैं निकालता हूँ। कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, डरने की जरूरत नहीं। शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड। अरे यार मैं हूँ ना। वेरी गुड, शाबाश। मैं निकालता हूँ, मैं निकालता हूँ। गुड। अरे अरे शाबाश, यस वेरी गुड। डरने की जरूरत नहीं है। ये हुई ना बात, देखो आराम से बैठो। और ये देखा, ये था तुम्हारे पांव में, अब मिला आराम। शाबाश, अगली बार मिला तो भूलना मत, ठीक है? ओके गुड नाइट। अरे पागले, तेज तेज बेबी तेज, आई एम वेरी हैप्पी विद यू। क्यों सर? और तुम डांस में कितना तेज प्रगति क्या है। थैंक यू सर। अभी तुम पूरा दुनिया को प्राउडली बोल सकता है कि हम बच्चों लड़ी का स्टूडेंट है। अरे बाबा, अरे बाबा कौन था ये कॉलेज में कितना नटी छोकरा है, जाने की फेंक गया। ओ जब कोई ठोमरे को फेर दी होता हम पकड़ लेता, ये तो कोई डिस्को पाउडर है ए तेज। अरे वो खुजली पाउडर तेज पर ठीक से पड़ा के नहीं। अरे हाँ यार। अरे वो अपना बदन खुजाते खुजाते अपने कपड़े न फाड़ डाले तो कहना। और वो डांस टीचर बेचारा तो मुफ्त में मारा गया। अरे अभी वो डांस मास्टर सूर ताल में खुजाएगा। चुप बुड़ी बाबा। के मुनाशे नॉटी गर्ल। नमस्कार। अरे वो चली गई, चल भाग भाग भाग।
मैं कमिन सर। यस कमिन। अबे नीचे से क्या झांक रहा उल्लू? अरे यार इसे तो कुछ असर ही नहीं हो रहा है। होगा। पूरी तरह बहुत कुछ होता है। मोड़ जाएगा हम। अरे बाबा अंदर अंदर जाने को तो कपड़ा उतार के उठाना पड़ेगा रे। जानते ही हैं तेजश्री जी क्लासरूम में बेहोश हो गई थी जबकि उनका ब्लड प्रेशर किसी परेशानी की वजह से हाई हो गया था। अरे बाबा वो तो बहुत स्ट्रांग ठोक रहा है। सर अमित लहरी बच्चू लहरी डांस टीचर कॉलेज। दादा वो तो बहुत स्ट्रांग ठोक रहा है। जब वो गंदा छोकरा लोग गंदा गंदा पाउडर फेंका तो हम तो खुदा खुदा के पूरा कपड़ा फाड़ा। पर छोकरी तो इस तक नहीं किया है दादा। वो फॉर्मूला है ना कि फॉर्मूला है कि मोड़ जाएगा पर झुकेगा नहीं। वो उसको उसको फॉलो करता है। पर दादा ये तो हमको फॉलो करता है। दादा की रखता है ज्वेलरी। ये तो दुबई का हार है। नौलो का हार है। चंद्र हार है। हार हमारा बॉयफ्रेंड दिया। तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने तुम्हें मंगलसूत्र नहीं दिया? की बोलती दादा मंगलसूत्र बोलती। दवाई का वक्त हो गया। ये लो और ये तुम आदि को लिखा लो। यहां सबकी जबान पर एक ही बात है कि हमारी तेजेश्वरी कोई मामूली लड़की नहीं है। ये सुनकर हमें बहुत खुशी हुई। अब तुम हमें उसका नाम बताओ जिसे तुम्हारी शान में बदतमीजी की थी। राजा पापा ऐसे दो चार मामलों को तो आपकी बेटी खुद निपटा सकती है। आप उनको मुझ पे छोड़ दो। अर्जुन तेज चीता लेके तेरे पास ही आ रही है। अच्छा होगा तू खिसक ले यहाँ से। आज गुस्से में वो कयामत लग रही है। मोहब्बत कयामत से नहीं डरती। अरे खामखा अपने आप को क्यों मुसीबत में डाल रहा है यार? मोहब्बत मुसीबत से नहीं भागती। हमारे बदन पे खराशे लगाई। हम तुम्हारे बदन पे अनगिनत जख्म बनाएंगे। मोहब्बत करने वाले जख्मों से नहीं डरा करते। रानी जाओ। देखा आप लोगों ने, मोहब्बत जानवर को भी इंसान बना देती है। लेकिन कुछ इंसान ऐसे होते हैं जिन्हें मोहब्बत भी इंसान नहीं बना सकती। वो जिंदगी भर जानवर बनकर रह जाते हैं। जानवर
अरे बता तो सही, तू मुझे यहाँ क्यों लाया? जगह तो यही है। बादशाह, आप ही का नाम अर्जुन है? जी। वेलकम वेलकम मोतिया वाली सरकार, तेजेश्वरी जी अपनी आंखें बिछाकर आप ही का इंतजार कर रही हैं। तेजेश्वरी और मेरा इंतजार? लेकिन यहाँ पर? हाँ जी, वो अकेले में आपसे प्यार की गुटर गु करना चाहती है। आइए आइए, चल रांझिया तू मिलने हीरनू। थैंक यू बिरबल, ये लो। थैंक यू मैडम। मैडम जी 5 मिनट हो गए, अब मैं आपके फ्रेंड को बाहर निकालता हूँ। इतनी देर में उस बेचारे की ठंड से कुल्फी जम गई होगी। बहुत हो गया मजाक, अब मैं जाता हूँ। उसे कुछ देर और रहने दो। नहीं अभी नहीं। मैडम जी 10 मिनट हो गए। उसके अंदर एक आदमी कितनी देर जिंदा रह सकता है? ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट, और उसके बाद राम नाम सत्य है। मैडम जी अब तो 15 मिनट हो गए। उसे 5 मिनट के बाद निकलना। अरे 5 मिनट के बाद तो उसका बैंड बज जाएगा। आप तो कह रही थी आप उसके साथ मजाक कर रही हैं, आप तो उसकी जान लेने जा रही हैं। ऐसे गलत काम में आपका साथ हरगिज नहीं दूंगा। मैं अभी जाकर उसे बाहर निकालता हूँ। अगर तुम यहाँ से गए तो अपनी जान से जाओगे। अब देखती हूँ उसका क्या हाल है, पकड़ो इसे। ये तो मेरा ही बैंड बजा गई। ए, अर्जुन को ढूंढो। वैसे तो बर्फ में जमकर मर चुका होगा, और अगर बच गया होगा तो हम उसे मार देंगे और इल्जाम उस तेज पर आएगा। वो देखो। छोड़ दो मुझे। नहीं, छोड़ मुझे। आज कहाँ है तेरा चीता? नहीं। नहीं। अगर तू भी इस बर्फ में ठंडी नहीं होना चाहती तो खुद मेरी बाहों की गर्मी में आ जा। छोड़ दो मुझे। अपने बदन की गर्मी मुझे दे दे। छोड़ दो मुझे। Thank you.
तुझे दिल दिया, धीरे धीरे प्यार में अपना बना लिया, धीरे धीरे प्यार में। तुझे दिल दिया, धीरे धीरे प्यार में अपना बना लिया, धीरे धीरे प्यार में। मैंने तुझे दिल दिया, धीरे धीरे प्यार में अपना बना लिया, धीरे धीरे प्यार में। दिल दिया, धीरे धीरे प्यार में अपना बना लिया, धीरे धीरे प्यार में। हाय मेरा बेटू, हाय बेटू, क्या हुआ? तुझे इतनी जोर से किसने पीटा? बेटे, बेटे तू घबराना नहीं, जिसने तेरी जहालत की है मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। तेरा बाबा भी जिंदा है बेटे, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। बाबा मैं यहाँ हूँ। तू डरना मत बेटे, तू डरना मत। पापा मेरा पैर छोड़िए, मैं इधर हूँ। तू कहाँ है? पैर में दर्द हो रहा है, मैं इधर हूँ। तू इधर से बोल रहा है? अरे अरे, पैर और सर में कोई फर्क ही नहीं रहा। अरे बेटे तू डरना नहीं, तू डरना नहीं बेटे, मैं बदल लूंगा, मैं बदल लूंगा। कॉलेज से खबर आई है कि वहाँ छोटे बाबू को बहुत बुरी तरह से पीटा गया है। ऐसी जरूरत की है बहुत। सरकार, ये जो कुछ भी हुआ है पृथ्वी राज की बेटी की वजह से हुआ है। पृथ्वीराज, पृथ्वीराज, पृथ्वीराज जिंदगी भर हमारा रास्ता काटता रहा, अब उसकी इतनी जुर्रत की उसकी अगली नस्ल हम पे ही हमला करने लगी। मैं आप लोगों को नहीं भाई साहब, लेकिन मेरी एक बात तो सुन लीजिए प्लीज।
एक बात याद रखना, भड़की हुई आग को बुझाने के लिए जो फूंक मारने की कोशिश करता है उसका चेहरा जल जाता है। भाई साहब, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि जिस लड़की को आप मारने जा रहे हैं, क्यों ना हम उसे अपने घर की बहू बना दें? एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए भाई साहब, इसके हमें दो फायदे हैं। एक तो वो लड़की हमेशा आदित्य के इशारे पर नाचती रहेगी, इससे बढ़कर और इंतकाम क्या होगा? और दूसरा फायदा ये है कि बेटी का बाप होने के नाते पृथ्वीराज का सर हमेशा हमारे सामने झुका रहे। आप आज या कल पृथ्वीराज के पास जरूर जाकर उसे मिले, लेकिन शादी के सिलसिले में। हाँ, अगर इसके बाद भी वो नहीं माने तो फिर आपका जो जी चाहे वो कीजिए, बस। ठीक है बड़े मियाँ, अब हमारा यही फैसला है, उस लड़की को शादी का जोड़ा पहनना ही हो। चलो आगे बढ़ते चलो। हाँ हाँ, आप भी आगे बढ़िए, चलिए लाइए। एक कंबल नहीं, दो कंबल दो, वरना सोने में फिर झगड़ा हो जाएगा। एक तकिया
से ये सर्दी बेदर्दी कैसे रात बिताए। एक चादर दो सोने वाले, एक चादर दो सोने वाले। सुन लो मेरी अर्जी बेदर्दी, आओ एक हो जाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने दो कंबल दे दिए। ये क्या बदतमीजी है, अपनी बंदूकें नीचे करो। लगता है आप राजा साहब के खास आदमी हैं। जी आपने हमारे आने का अंदाज देखा खान साहब। जब अभी इतने बाराती हैं तो जब हम बारात लेकर आएंगे सोचिए उस वक्त नजारा क्या होगा। चलिए हम आपको राजा साहब से मिलवा देते हैं। चलिए अब लाइए अपना रिवॉल्वर दे दीजिए। वाह खान साहब वाह, उम्र हो गई मगर नजरें आपकी बहुत ही तेज हैं। अगर इस रिवॉल्वर की गोलियां आपके सीने में दाग दें तो? आप पृथ्वीराज जी के मेहमान हैं, आपके लिए जान भी हाजिर है। शाबाश हम खुश हुए। खान साहब आप बहुत ही ज्यादा वफादार दिखते हैं, लगता है इस हवेली का नमक आपने किलो के हिसाब से खाया है। नमक तो और लोग भी खाते हैं लेकिन मेरी वफादारी का राज यह है कि मैंने इस हवेली की मिट्टी तक खाई है। शाबाश चलिए। सुनिए आपकी दादागिरी की वजह से मेरा बहुत नुकसान हुआ है, ना तो गुड़िया लेके भागती और ना इसकी हालत होती। इनको भी तो देखना चाहिए था, जब इनको आदमी से प्यार नहीं तो गुड़िया से किसे प्यार हो सकता है। नहीं ऐसी बात नहीं, गुड़िया से तो हमें बहुत प्यार है, हम दूसरी खरीद देंगे। बोलो कितने की है? लगता है आज तक आपने हर चीज पैसे से खरीदी है, लेकिन ये मेरी बचपन की यादगार है। अगर आपके पास भी अपनी बचपन की कोई यादगार चीज हो तो मुझे दीजिएगा, मैं भी उसकी कीमत चुका दूंगी। ये हमारी रानी बिटिया है। इसकी बातों में सुई है, चुप जाती है लेकिन देखने में बिल्कुल गुड़िया जैसी है। आइए चलिए। क्यों राजा, याद है उस दिन हमने क्या कहा था कि हम वो पंडित हैं जो शादी भी कराते हैं और श्राद्ध भी। फिलहाल हम शादी की बात करने आए हैं लेकिन श्राद्ध वाली बात भूलना मत। हमारी याददाश्त अच्छी भी है और तेज भी है, जख्म तो जख्म, एक जख्म पर एक सुई से कितने टांके लगाए जाते हैं हम उसकी गिनती को भी नहीं भूलते। खान चाचा इनकी खातिर कीजिए। अमा खान साहब हमारी तो ये आदत है कि हम जब भी पीते हैं जाम टकरा के पीते हैं, यहाँ तो जाम टकराने के लिए ग्लास को ऊपर फेंकना पड़ेगा। क्यों राजा, या तो तुम नीचे आ जाओ या फिर हम ऊपर आते हैं, या थोड़ा नीचे तुम आओ और थोड़ा ऊपर हम आए। ओ तुम नीचे खड़े होकर
अपने आप को कमतर समझने लगे। हम तो यहाँ सिर्फ इस ख्याल से रुक गए थे कि नीचे से ऊपर बात करते हुए तुम्हें सर उठा के बात करने का मौका मिलेगा। अगर तुम्हें सर उठाकर बात करने का शौक नहीं है तो हम चले आते हैं। देख लो खान साहब, हमने राजा को एक ही झटके में नीचे उतार ही लिया। हम जब सामने वाले को पानी पिला देते हैं तब पानी पीते हैं। राजा, इस वक्त हम तुम्हारी बेटी के रिश्ते की बात लेकर आए हैं। जिसके घर के दालान में चंदन का झाड़ होगा वहां तो सांपों का आना जाना लगा ही रहेगा। कुछ सांप इतने जहरीले होते हैं राजा कि अगर वो काट ले तो पलक झपकते ही जिंदगी कट जाती है। वो करवट बदलने का मौका तक नहीं देते राजा। अगर सांप काटते ही पलट जाए तो उसके जहर का असर होता है, वरना नहीं। हम सांप को काटने की इजाजत तो दे सकते हैं लेकिन पलटने की इजाजत नहीं देते परशुराम। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा राजा कि कौन पलटता है और कौन पलटने का मौका देता है। इधर चले आओ। बैठो। शुक्रिया राजा। कहो कैसे आना हुआ? देखो राजा, जिस कॉलेज में तुम्हारी बिटिया पढ़ती है उसी कॉलेज में हमारा आदित्य भी पढ़ता है। वैसे आदित्य है तो डागा का बेटा, लेकिन हम उसे अपने बेटे की तरह प्यार करते हैं। हम चाहते हैं कि आदित्य का रिश्ता तेज के साथ हो जाए। यकीनन इसमें हम दोनों का फायदा है। तुम्हारी कोई नन्ही सी बेटी थी, उसका नाम गुड़िया था। उस दिन जब हम कप जीत कर आए तो उस खुशी में हम अपनी गुड़िया की फोटो खींच रहे थे, तभी अचानक कोई झाड़ियों के पीछे से आया और हमारी गुड़िया को हमसे बहुत दूर लेकर चला गया। हम उस कमीने जलील को जिंदा नहीं छोड़े। हम उस कमीने और जलील आदमी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ये समझते हुए भी तुम चाहते हो कि हम अपनी बेटी को एक कमीने और जलील के हवाले कर दें? हम आदित्य के मुतालिक सब कुछ जानते हैं। जब हमारी गुड़िया को कोई जलील बदमाश उठाकर ले गया तब हमें बहुत तकलीफ होती। फिर ये भी तो किसी बेटी के बाप है, अपनी बेटी को किसी ऐसे वैसे आदमी के हवाले कैसे कर दें? हम समझ गए राजा साहब, आपका जवाब हमें मिल गया। आपकी बातों से मेरी अंदर की आत्मा जाग उठी है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया राजा साहब। अब हम चलते हैं। लो, तुम्हारे खान चाचा आ गए। खान चाचा, खान चाचा, क्या हुआ बोलिए ना। तेज बिटिया, हमने तुम्हारा काम कर दिया। राजा साहब अर्जुन से मिलने को राजी हो गए। और हाँ, हमने अर्जुन को पैगाम भिजवा दिया है, 4 बजे वो उनसे मिलने यहाँ आ रहा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया खान चाचा। थैंक्स। पगली, आज तो तूने मेरी नमाज कबूल करवा दी। राजा पापा, अर्जुन से मिलने के लिए तैयार हो गए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज तेज से मिलन होगा। राजा साहब ने बुलाया है। आपका नाम अर्जुन है ना? जी हाँ। ये क्या कर रहे हैं आप? देख रहा हूँ कि आपने घड़ी पहनी है या नहीं। जी नहीं पहनी है। ये घड़ी पहन लीजिए और इसमें टाइम देख लीजिए, ये राजा साहब का हुक्म है। हुँ।
यार खुरदार, इस वक्त क्या टाइम हुआ है? 4:02। बाहरी दरवाजे से यहां आने तक तुम्हें 2 मिनट लगे। उम्मीद है कि इस बात से तुम्हें इस महल में रहने वालों की हैसियत का अंदाजा हो गया होगा। याद रहे, कभी कभी ये 2 मिनट के फासले की हैसियत को तय करने के लिए 2 सदियां भी लग जाती हैं। जाइए, राजा साहब सामने ही हैं। नमस्ते राजा साहब, मैं और तेज एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं। हम दोनों के बीच पहले खूब जम के लड़ाई हुई, लेकिन बाद में दोस्त बन गए। फिर दोस्ती आहिस्ता आहिस्ता प्यार में बदल गई। बड़े बाप की बेटी से जब कोई प्यार करता है तो अक्सर यही होता है, उसका बाप उसे दौलत का लालच देता है और कहता है कि वो उसकी बेटी को भूल जाए। लेकिन आप ऐसा मत कीजिएगा, क्योंकि तेज मेरी मोहब्बत है। ना मैं उसे भूल सकता हूँ, ना मैं उसका किसी भी कीमत पर सौदा कर सकता हूँ। देखो तो वो फूल, वहां कुछ गुलदान भी नजर आ रहे हैं, जरा लगाओ तो उन फूलों को। आया होता तो जरूर कुछ बोलते, वो चुप है इसलिए लगता है कि बात बन गई। तुमने देखते ही देखते इन खूबसूरत फूलों को किसी टूटे हुए गुलदान में नहीं, सबसे अच्छे गुलदान में सजाया है। क्यों? हमारा इशारा तो तुम समझ गए होगे। जी, मैं आपका इशारा समझ गया, अच्छी तरह समझ गया। हम जैसे लोग आपकी नजरों में टूटे हुए गुलदान की तरह हैं, जिनमें आप अपने घर का फूल सजा नहीं सकते। समझ गया। राजा साहब से कह दीजिएगा, वो चाहें हजारों घड़ियां खरीद लें, मगर उनमें वो सिर्फ वक्त को देख सकते हैं, वक्त को गुलाम नहीं बना सकते। मैंने मुद्दत से मस्जिद नहीं देखी, मगर एक बच्चे का अजान देना बहुत अच्छा लगा। नमस्कार राजा साहब। ओ बलवंत, कैसे आना हुआ? खैरियत तो है? कुछ दिन पहले अर्जुन आपसे मिला था, जिसे आपने टूटा हुआ गुलदान समझा। वो मेरे ही जिगर का टुकड़ा है राजा साहब। वो उस चांद की तरह है जिसमें गरीबी का दाग तो है, मगर बहुत सारी खूबियों की चमक भी है, जिसे आप देख नहीं पाए। वो गरीब तो है मगर खुददार है राजा साहब। बलवंत, वो खुददार होगा मगर समझदार नहीं।
अगर समझदार होता तो हमारी कही बात बड़ी आसानी से समझ जाता और तुम्हें यहाँ तक आने का कष्ट नहीं उठाना पड़ता। मुझे मालूम है राजा साहब कि तेज और अर्जुन के बीच बहुत फासला है, बहुत ऊंची दीवार है, लेकिन प्यार सारे फासले सारी दीवारों को खत्म कर देता है। मोहब्बत सबसे बड़ी चीज है राजा साहब। दीवारें, फासले और मोहब्बत, ये चक्कर तो बलवान हम लड़कपन में लगा चुके हैं और अब ये समझा है कि मोहब्बत से पहले एक और बड़ी मंजिल है, उसका नाम है जरूरत। और फिर बलवान जरूरत से बड़ी एक और चीज है जिसका नाम है आदत। अपनी बाईं तरफ देखो, इन मछलियों को बलवंत, ये पानी ही इनकी जरूरत है, इनकी आदत है और इनकी मोहब्बत है। अगर इन्हें इस पानी से जुदा कर दिया जाए तो ये तड़प तड़प कर मर जाएंगी। बलवंत, अब तुम ही बताओ हम तेज को गुर्बत की कीचड़ में कैसे धकेल दें। ये सब हमने समझा बूझा और फिर बड़े आराम से अर्जुन को अपना फैसला हमने सुनाया। ऐसे फैसले प्यार करने वालों की जान भी ले सकते हैं राजा साहब, और ये फैसला इतनी आसानी से आपने इसलिए सुना दिया कि अर्जुन आपकी औलाद नहीं। यही फैसला हमारी तेज के लिए भी है। उसके लिए भी ये फैसला आप इतनी आसानी से इसलिए सुना गए क्योंकि वो भी आपकी अपनी औलाद नहीं। हाँ, वो मेरे स्वर्गीय दोस्त की औलाद है जिसने मरने से पहले उसे मेरे हवाले किया था और मैं ही उसे आपके महल के सामने छोड़ गया था। आपको तो छोड़ी हुई चीज लौटा देने की आदत है राजा साहब, अब मेरी तेज मुझे लौटा दीजिए। हमारी आदत भूली हुई चीज को तो लौटा देने की है, लेकिन जानबूझकर छोड़ी गई चीज नहीं लौटाई जाती। बलवान, तुम एक छोटी सी मासूम बच्ची को हमारी दहलीज पर फेंक गए थे। तुमसे ज्यादा बेरहम इंसान और कौन हो सकता है। और फिर यहां तो एक बेटी का सवाल है, हम तो क्या पत्थर से पत्थर दिल इंसान भी इन हालात में अपनी बेटी को अपने से जुदा नहीं कर सकता। क्या हुआ बाबा? अर्जुन, गिरे हुए आंसुओं के कतरे वापस नहीं उठाए जा सकते। तुम एक काम करो, तेज को भूल जाओ। रानी बिटिया। हाँ चाचा। देख सकता है भला कौन ये प्यारे आंसू मेरी आंखों में ना आ जाएं तुम्हारे आंसू। राजा पापा, मैं अर्जुन से बहुत प्यार करती हूँ और मैं उसके बिना जिंदा नहीं रह सकती। अगर आपने हमको मिलने से रोक लिया तो राजा पापा, मैं आपसे बगावत कर बैठूंगी राजा पापा, मैं आपसे बगावत कर बैठूंगी। खान भाई, आप इतनी सोच में क्यों पड़ गए? तारीख इस बात की गवाही देती है कि बगावत की कहानियां कभी गुलाब जल से नहीं लिखी गईं। ये हमेशा गरम खून से लिखी गई हैं, हमेशा गरम खून से।
करोगे? मुझे जाने दीजिए, मुझे जाने दीजिए, मुझे जाने दीजिए, वरना अर्जुन मुझसे बहुत दूर हो जाएगा। मैं उसके बिना जिंदा नहीं रह सकती। दरवाजा खोलिए जिन्हें पमा, दरवाजा खोलिए, मुझ पर ऐसा जुल्म मत कीजिए, मत कीजिए। बस इस बार मेरी बात मान लो, मैं आज के बाद हर वक्त हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी, मैं वादा करती हूँ तेज। मुझे वादा नहीं, मुझे मुझे अर्जुन चाहिए, अर्जुन चाहिए मुझे। दिल इतना भारी भारी सा है, दिल किसी करोड़ भी बहल नहीं रहा। अजीब जलन सी है, जैसे कुछ जलकर राख हो रहा हो। खान चाचा, तुम्हारे चेहरे पर भी हमें धुआं धुआं दिखाई दे रहा है। बात दरअसल यह है कि हमारी बिटिया अपने काबू में नहीं है। क्या कहा? वो बागी हो चुकी है। आपसे सिर्फ इतनी गुजारिश है कि आप अपने महल न जाएं। क्या महल की दरो दीवार हमें कबूल नहीं करेंगे? क्या महल की छतों से शोलों की बारिश हो रही है? नहीं, ऐसी बात तो नहीं है, लेकिन यह भी एक हकीकत है कि अगर आप बारूद हैं तो बिटिया चिंगारी। जब बारूद और चिंगारी मिलेंगे तो धमाके जरूर होंगे। मैंने सारी जिंदगी उस महल की सलामती के लिए खुदा से दुआएं मांगी हैं, और मैं नहीं चाहता कि अब वहां धमाके हों। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी इस इल्तिजा की आबरू रख लेंगे। इतनी खौफनाक रात में कौन आया है? लगता है कोई बहुत ही जरूरतमंद है। मगर राजा साहब तो महल में है नहीं। फरियादी से कह देना पड़ेगा कि वह लौट जाए। ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। आज ऐसा पहली बार होगा जब किसी की फरियाद नहीं सुनी जाएगी। आज हम फरियाद सुनेंगे। फरियादी, कौन हो तुम और क्या चाहते हो? राजा पापा, आप, आपकी ये हालत? पांव नंगे, सैकड़ों जूते होने के बावजूद कपड़े तार तार, सर पर एक उलझी हुई पगड़ी जो अभी गिरी कि अभी गिरी। हमारे अंदर की हालत यही है जो बाहर से नजर आ रही है। हर चीज टूटती गिरती नजर आ रही है। इंसाफ, इंसाफ चाहिए इस फरियादी पापा को जिसने तुम्हें
आला भूसा वो आज इस खौफ से थरथरा रहा है कि वही बेटी उसे अचानक ठुकरा कर चल दी। बस पापा बस, आगे और कुछ मत बोलिए वरना मेरा रोम रोम गुनेगार बन जाएगा। राजा पापा मुझे माफ कर दीजिए, राजा पापा मुझे माफ कर दीजिए, राजा पापा अब आप जो चाहेंगे वही होगा। चलिए 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 ना। अर्जुन अर्जुन ओ अर्जुन अर्जुन अर्जुन, ऊपर क्या कर रहे हो? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। अर्जुन लगता है तुम तेज को भूल नहीं पाए। पापा आप भी तो मेरे बड़े भाई को नहीं भूल पाए जिसे गुजरे करीब 20 साल हो गए। मैं उसे भूल भी नहीं सकता क्योंकि वो मेरी पहली औलाद थी और तेज मेरी पहली मोहब्बत है। राजा साहब आपसे विनती है अर्जुन और तेज के प्रेम को स्वीकार कर लें। फिर वही बात, फिर वही पुराना चेहरा, झोली में वही सूखे फूल, आंखों में वही बासी आंसू। क्या करें, अर्जुन की तड़प अब मुझसे देखी नहीं जाती राजा साहब, इसीलिए इसीलिए मुझे आना पड़ा। बलवान तुम फिक्र मत करो, आजकल का इश्क जन्मों का रोग नहीं है, वक्ती नशा है, शाम को होता है सुबह उतर जाता है। तुम्हारा बेटा रोता है तो उसे रोने दो, उसकी सेहत के लिए अच्छा है। गरीबों का रोना अमीरों का मजाक। राजा साहब यह आपका जुल्म नहीं तो और क्या है? ये इंसाफ है हमारे लिए औरों के लिए भी। राजा साहब तब तो आप ये भी जानते होंगे कि औलाद के आंसू पाप के दिल पर तेजाब की बूंद की तरह गिरते हैं और उसे छलन कर देते हैं। इसके बाद भी आप ये कहते हैं कि उसे रोने दूं? बताइए आपका जुल्म नहीं तो और क्या है? आपका ये जुल्म मेरे बेटे की जान भी ले सकता है। राजा साहब मैं धृतराष्ट्र नहीं जो अंधा बनकर अपने बेटे की मौत की खबर सुनने का इंतजार करता रहूं। फिर तो मैं इस जिंदगी को महाभारत समझ लूंगा, वो महाभारत जिसमें जीतना ही धर्म होता है, चाहे जैसे भी जीतो। लेकिन इस बार आपकी जीत नहीं होगी, नहीं होगी आपकी जीत, क्योंकि मैं अपनी औलाद की खुशियों के लिए लड़ूंगा और आप अपनी औलाद की खुशियों के खिलाफ। इस बार तो आपको झुकना ही होगा, हारना ही होगा। वैसे भी मैं अड़ियल से अड़ियल घोड़े को काबू में करके उसके पांव में नाल ठोकने के लिए पूरे इलाके में मशहूर। जब हम कश लगाते हैं तो हमारे दुश्मन गश खाकर गिर जाते हैं। पापा पापा ये खून, इतने खून तो बहते ही रहते हैं। एक बात सुन अर्जुन, जंग में प्यार नहीं होता लेकिन प्यार में जंग हुआ करती है।
अब हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता रह गया है। चल, चल, चल। फरियाद करने के लिए बजाते आए हैं, लेकिन मैंने इसे आपको चैलेंज देने के लिए बजाया है। राजा साहब, इसी पूर्णिमा की रात को मैं 23 के लिए बारात लेकर आऊंगा, जिसे रोकना ना तो आपके बस में होगा और ना रुक जाना मेरे बस में होगा। अंकल, अर्जुन पृथ्वीराज को यह चैलेंज देकर आया है कि वो बारात लेकर आ रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि बात अच्छे बुरे की नहीं रह गई है, अब तो जिसकी लाठी उसी की भैंस। इसमें हम भला पीछे क्यों ना जाएं? क्योंकि ना तो मैं अर्जुन से कमजोर हूं और ना आप उसके बाप बलवंत से कमजोर हैं। याद रखना, मेरा नाम बलवंत है, बलवंत है मेरा नाम। बलवंत? अर्जुन, 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 बलवंत चाचा, अर्जुन के जब हो गया। बाबा कहाँ है? इसने अभी तक कुछ नहीं बताया। ए बलवंत, जल्दी बता हमारी गुड़िया कहां है। बलवंत, तू नहीं जानता हम अपनी गुड़िया के लिए कितने तड़पे, कितने बर्बाद हुए, कैसे घुट घुट कर जी रहे हैं। बता दे बलवंत, जल्दी बता दे हमारी गुड़िया कहां है। बता दे बलवंत, हमारी गुड़िया कहां है। जिंदा है। जिंदा है? सुना तुम लोगों ने, हमारी गुड़िया जिंदा है। हमारी हमारी गुड़िया जिंदा है। हे भगवान, हे भगवान, हमारी गुड़िया जिंदा है। हे भगवान, कैसी होगी हमारी गुड़िया? बलवंत कहां है वो, कैसी है? अब तो वो बहुत बड़ी हो गई होगी बलवंत। अरे देखने में कैसी है बलवंत, बता बता बलवंत। वो अपने भैया को याद करती है? वो हमें याद करती है ना बलवंत? हमें याद करती है नहीं करती बलवंत? तुम्हारी गुड़िया मर चुकी है। नहीं! हाँ, वो मर चुकी है। नहीं! झूठ मत बोल बलवंता, झूठ मत बोल। हमारी गुड़िया, हमारी बहन नहीं मर सकती। हमारी गुड़िया नहीं मर सकती बलवंता। क्यों नहीं मर सकती? जब हमारा मासूम बेटा मर सकता है तो तुम्हारी मासूम गुड़िया क्यों नहीं मर सकती? इसलिए कि तुम अमीर हो? तुम अमीरों का खून खून है तो क्या हम गरीबों की रगों में म्युनिसिपैलिटी का पानी बहता है जिसे जब चाहे तुम बहा दो? जवाब दो परशुराम, जवाब दो। याद है ना परशुराम, उस दिन मैंने तुमसे कहा बड़े से बड़े जालिम के जुल्म से बड़ा होता है गरीबों का इंतकाम, और ये मेरा इंतकाम है, और मेरा ये इंतकाम मेरी मौत के बाद भी जिंदा रहेगा, और इसी तरह तुम तड़पते रहोगे परशुराम, तड़पते रहोगे। तड़पते रहोगे, तड़पते रहोगे। कॉल लो इसे। मेरी वजह से आज अंकल का कितना बड़ा काम हो गया। आज उनको बलवंत मिल गया, कल उनको उनकी बहन भी मिल जाएगी। बरखुरदार, मुझे लगता है कि तुम मेरी औलाद ही नहीं हो। मम्मी ये क्या,
अबे बेवकूफ, अगर उनको उनकी बहन मिल गई तो सारी जायदाद की मालिक हो जाएगी वो, और एक दिन वो सब कुछ समेट कर बहन बाजे के साथ किसी और ससुराल चली जाएगी और हमारा नुकसान ही नुकसान होगा। किसकी औलाद है? कैसी औलाद है ये हमारी जो हमेशा हमारे लिए उल्टा ही सोचती है? कहीं उल्टा पैदा तो नहीं हुआ था? डैडी शट अप। आओ दोस्त आओ, और देखो इस शहर की तमाम अच्छी मिठाइयां यहां मौजूद है, आओ वो मीठा करो। पहले तो मेरा खून बहाया, फिर दवा लगवाई, फिर कपड़े पहनवाए, और अब खाने को कह रहे हो? पूछ सकता हूं कि इन सब बातों का मतलब क्या है? अपने सवालों का जवाब पाने के लिए अगर हम चाहते तो तुम्हारे बदन के जख्मों पे नमक भी बिछा सकते थे, लेकिन हमने तुम्हारे जख्मों पे मरहम लगाया ताकि तुम पसीज जाओ और हमें हमारी गुड़िया का पता बता दो। हम अपनी गुड़िया के लिए बहुत तड़पे हैं बलवंत, हम अपनी गुड़िया के लिए बहुत तड़पे हैं, अब और बर्दाश्त नहीं होता। बलवंत बता दे, बलवंत बता दे। परशुराम। हां बलवंत बताओ, बताओ हमारी गुड़िया कहां है? बलवंत बताओ ना। हमारे बेटे के रोने का हिसाब तो पूरा हो गया, लेकिन उसकी मौत का हिसाब तो अभी बाकी है। ये क्या कह रहे हो? ठीक है ठीक है ठीक है, तब तुम भी हमारी तरह तड़पोगे। आखिरी बार तुझसे हाथ जोड़ के पूछ रहे हैं बलवंत, बता दे हमारी बहन कहां है? बता दे बलवंत, हम तेरी हत्या के भागीदार नहीं बनना चाहते। आप दोनों रुक जाइए, मैं अब सब कुछ बताने को तैयार हूं। पहले बताने को तैयार क्यों नहीं थे? पहले मामला मजबूरी का था, लेकिन अब बराबरी का है। मजबूरी में दया की भीख मांगी जाती है परशुराम, कोई शर्त नहीं रखी जाती। लेकिन अब मैं तुम्हें एक शर्त पर सब कुछ बतलाऊंगा। कौन सी शर्त? यही कि तुम तेज और अर्जुन की शादी करवाने में हमारी मदद करोगे। मदद क्या, हम तो अब खुद अर्जुन की बारात लेकर वहां जाएंगे, क्योंकि अब हमें अर्जुन और तेज के प्यार के बारे में सब कुछ मालूम हो चुका है। अब बताओ हमारी बहन कहां है? तेज ही तुम्हारी बहन गुड़िया है। क्या तेज हमारी बहन, हमारी गुड़िया तेज है? परशुराम अब तुम अपनी जबान से बदल तो नहीं जाओगे ना? वो जबान जो लचक जाए किसी और की तो हो सकती है, परशुराम की जुबान नहीं हो सकती। हम अपनी जुबान में फौलाद रखते हैं बलवंत, जो हालात की गर्मी से ना तो पिघलती है और ना ही लचकती है। अंकल मालूम हुआ कि तेज आपकी बहन गुड़िया है? मुबारक हो मुबारक हो, अब तो मेरी प्रॉब्लम भी आसान हो गई है। अब तो आप तेज के साथ मेरी शादी करवाई देंगे अंकल? आदित्य हम आज बहुत खुश हैं, लेकिन उस खुशी के आलम में हम ये नहीं भूले कि दूसरे का खोटा सिक्का भी अगर कीचड़ में गिरा हो तो उसे उठाकर अपनी जेब में रखा जा सकता है, लेकिन अपना खरा सिक्का जान बूझ कर कीचड़ में नहीं फेंका जा सकता। हमने फैसला कर लिया है कि तेज यानी गुड़िया की शादी अर्जुन से होगी। क्यों बेटे, आगे ना होश ठिकाने, बहुत पीछे पीछे घुमा करते थे इनके, और करो ऐसे और करो ऐसे। हाँ चचा को बाप बना लिया और बाप को चचा बनाकर बाप का मजाक उड़ाया करते थे, और क्या मिला ये रोनी सूरत? याद रख
चचा चचा होता है और बाप बाप होता है। मैं तेज की शादी अर्जुन के साथ हरगिज नहीं होने दूंगा। मैं भी उसकी शादी अर्जुन के साथ हरगिज नहीं होने दूंगा, क्योंकि तेज की शादी तुझसे करके हम परशुराम और पृथ्वीराज की सारी दौलत पर कब्जा कर लेंगे। राजा साहब, मैं वो बोल रहा हूँ जिसने कभी आपके साथ दुश्मनी निभाने की कसम खाई। हम इस आवाज से वाकिफ हैं। मौके की निजादत को देखकर और पुरानी बातों को भूलकर अगर आप मेरे बेटे आदित्य को तेज के लिए स्वीकार कर लें। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम बैठे रहो। अगर तुमने हमारे साये तले खड़े होने की कोशिश की तो तुम्हारी टांगे लड़खड़ा जाएंगी और तुम नाक के बल जा गिरोगे। राजा साहब, गुस्से में आदमी अक्सर सोचना बंद कर देता है, लेकिन आप जरूर सोचिए और गौर कीजिए और याद रखिए कि डूबते हुए को एक तिनके का सहारा भी काफी होता है। तुम्हारे जैसे तिनकों से हमारे लोग झाड़ू बनाकर अपने आंगन बहारते हैं। रहा डूबने का, तो पृथ्वीराज वो तैराक है जो नदी नाले नहीं सैलाबी दरिया लहरों से खेलता हुआ पार कर जाता है। ये पूजा किस लिए की जा रही है खान साहब? आज हमारी तेज बिटिया का जन्मदिन है और हर साल की तरह राजा साहब उसकी लंबी उम्र के लिए हवन करवाते हैं। राजा साहब, तेज का जन्मदिन नहीं बल्कि हमारा मरण दिन बड़े ही धूमधाम के साथ मनाते हैं। खान चाचा, राजा साहब को तो ये भी पता नहीं होगा कि तेज का जन्म कब हुआ था, कहां हुआ था। तुम्हारे चेहरे पर कुछ तनाव सा है, तबीयत तो ठीक है ना? हमारी तबीयत का इसी बात से अंदाजा लगा लीजिए राजा साहब कि आप आग के पास रहकर शांत नहीं है और हम दिल में आग रखकर भी शांत है। आग से जरा बचकर बैठना वरना झुलस जाओगे। जिनके बदन कागज के होते हैं वो अग्नि देवता की पूजा नहीं करते। राजा साहब, दरअसल तेज आपकी बेटी नहीं बल्कि हमारी बहन गुड़िया है। आज से 20 साल पहले बलवंत हमारी गुड़िया को आपकी दहलीज पे छोड़ गया था। राजा साहब, आज हम आपसे अपनी बहन, अपनी गुड़िया वापस मांगने आए हैं। तुम्हारा कह देना और बलवंत का बयान ये कोई सबूत नहीं है कि हमारी बच्ची वही बच्ची है। खून के रिश्ते कभी सबूत के गुलाम नहीं हुआ करते। राजा साहब, गुड़िया हमारी जान है, जिगर है, हमारा दिल है। हम उसके बारे में कभी झूठ नहीं बोल सकते। राजा साहब, ये हमारे दिल की आवाज है। तुम अपने दिल की बात कर रहे हो, इस दिल का क्या होगा जिसने आज 20 बरस से उसे अपने साथ लगाए रखा। परशु तुम ही बताओ, अगर तुम हमारी जगह होते तो क्या करते? हम उसे हरगिज वापस नहीं लौटाते, मगर आप ऐसा नहीं करेंगे राजा साहब। वैसे भी आपको देने की आदत है, आपके अंदर त्याग की क्षमता है। राजा साहब, आप हमारी गुड़िया को हमें वापस लौटा दें। जब खून के रिश्ते को वक्त की तलवार भी नहीं काट सकती तो फिर हम ऐसा क्यों चाहेंगे? तेज की खुशी हमारी सुबह है, हमारी शाम है। ये फैसला हम तेज पर छोड़ते हैं। किसने डाला रे मोरे ले मोरा सिया, लू मैं बलैया रे रंग डाला मोहे। गुड़िया,
तुम्हारी बहन, हमने आज तक किसी चीज से इतना प्यार नहीं किया जितना हमने तुमसे किया। गुड़िया, जब तुम राखी बांधने लायक नहीं हुई थी, हमसे छीन ली गई, तुम हमें कभी ना कभी जरूर मिलोगी, बस इसी एक उम्मीद ने हमारी सांसों के धागों को अब तक नहीं टूटने दिया। तुमसे बिछड़ने के बाद हम बहुत तड़पे हैं गुड़िया, हम बहुत तड़पे हैं। भैया। हाँ गुड़िया। भैया। हाँ गुड़िया। हाँ। तेज हमारे पास रहे या ना रहे, हम उसकी खुशी और उम्र दराजी की दुआ हमेशा मांगते रहेंगे। पंडित जी, आप पूजा जारी रखिए पूर्ण आहुति तक। ओम सूर्याय नमः स्वाहा। गुड़िया, आ चल घर चल, हम तुझे लेने आए। गुड़िया, क्या सोच रही है बहन, क्या सोच रही है? हमने तो राजा साहब से बात कर ली है, उन्होंने फैसला तुझ पे छोड़ दिया बहन। क्या आपने भी फैसला मुझ पे छोड़ा है, या आप खुद फैसला करेंगे? हमारे लिए तो तुम्हारी खुशी ही सब कुछ है बहन। ठीक है बहना, हम भी अपना फैसला तुम पे ही छोड़ते हैं। भैया, अगर मैं ऐसे यहां से निकलूंगी तो उनको बहुत दुख पहुंचेगा, और फिर जिसको ये कहानी मालूम होगी वो जिंदगी में कभी दूसरे की औलाद को अपने सीने से नहीं लगाएगा। बुढ़िया, आप ही बताइए, अगर किसी को अपने भाई और बाप के घर में किसी एक को चुनना पड़े तो किसको चुनेगा? बाप के घर को ना। ओम सूर्याय नमः स्वाहा। ओम विष्णवे नमः स्वाहा। ओम ब्रह्मणे नमः स्वाहा। ओम भौमाय नमः स्वाहा। गुड़िया, खान चाचा, अपने राजा पृथ्वीराज से कह देना कि आज तो हम अपनी गुड़िया को बहन बनाकर यहां से नहीं ले जा सके, लेकिन बहुत जल्द उसे अर्जुन की दुल्हन बनाकर यहां से जरूर ले जाएंगे। अपने राजा पृथ्वीराज को यह भी कह देना कि बलवंत को तो वो रोक भी सकता था, लेकिन हमें किसी कीमत पर नहीं रोक पाएगा। वो यूं समझ ले कि अर्जुन की बारात दरवाजे पे पहुंचने ही वाली है। ए भक्तो, ताज के आगे झुकता नहीं, रस्मों रिवाज के आगे झुकता नहीं, ये आंधी बन के एक दिन टकराए दुनिया से, वो प्यार नहीं सच्चा जो डर जाए दुनिया से। रोके किसी के ना रुके, रोके किसी के ना रुके, ये तो ऐसा तूफान है, प्यार तो एक इम्तिहान। खानदान, मान मर्यादा, शान और शौकत, रुतबा और वकार, सदियों की मेहनत और मशक्कत के पसीने और जिंदगी की कशमकश के बाद बनता है वो, हमारे खून को विरासत में मिला। उस विरासत के साए तले मैं बहुत दिन से तेज का तापना देखती आ रही हूं, लेकिन अब
तेज का तिल तिल मरते जाना मुझसे देखा नहीं गया। इसमें हमारा कसूर? राजा साहब, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आप सिर्फ एक पाप बनकर रहें और पृथ्वीराज को भूल जाएं? सूरज अपनी रोशनी की चमक दमक से खुद जलता रहता है, लेकिन क्या वो अपनी रोशनी की तपस से अपने आप को बचा सकता है? क्या चांद अपनी चांदनी त्याग सकता है? क्या सितारे अपना टिमटिमाना थाम सकते हैं? वो खून जो हमें विरासत में मिला, वो खून जो हमें विरासत में मिला, वो कैसे निकलेगा? कैसे निकलेगा सिवाय सिवाय अपनी जान दिए बगैर, सिवाय अपनी जान दिए बगैर? हमने बारात से लेकर अर्थी तक की पूरी तैयारी कर ली है, तुम फिक्र ना करो। अब तुम सब लोग यहां से बाराती बनकर जाओगे।
चलो आगे बढ़ो, आज पृथ्वीराज का सर हमें शक्ल झुका देना है। तोड़ डालो मेन गेट। उधर किसी ने गेट बंद करके रखा है। जरा हम भी तो देखें ऐसा कौन जिगर वाला है। तुम किस धर्म संकट में पड़ गए बलवान? आटे के साथ घुन को पिसना ही पड़ता है। देश को यहां से ले जाने के लिए हम खून की नदी तक बहा देंगे, यह हमारी प्रतिज्ञा है। अगर राजा साहब की इज्जत बचाने के लिए खून का बहना किस्मत में लिखा है तो सबसे पहले जो खून बहेगा वो मेरा होगा, ये मेरी प्रतिज्ञा। तो आइए खान चाचा, आज हम दोनों अपनी अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर लेते हैं। ठहरो, राजा साहब का हुक्म है कि दरवाजा खोल दिया जाए। राजा साहब का हुक्म सर आंखों पर है, आइए। पृथ्वीराज, याद है ना मैंने कहा था कि मैं अड़ियल से अड़ियल घोड़े के पांव में भी नाल ठोक देता हूं। आज उसी का वक्त आ गया है। तुम्हारी अमीरी का नशा, तुम्हारा अहंकार, तुम्हारा खानदानी घमंड सब चूर चूर हो जाएगा। पृथ्वीराज, पृथ्वीराज बताओ अब तुम क्या पसंद करोगे, झुकना या टूट जाना? तुम्हारी खामोशी अब और ज्यादा देर बर्दाश्त नहीं कर सकते पृथ्वीराज। कदम भी आगे बढ़ाया तो तुम सबके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। सारी जमीन पर बारूद बिछाया जा चुका है। देखो, आग ही आग, तुम्हारी इन भीड़ों की भीड़ का रास्ता ही बदल देते अगर हम चाहते। हमारे महल तक पहुंचने से पहले वो रामू के बाग में जल रहे होते। रामू का बाग यानी शमशान घाट। आग और बारूद से दूसरे तो डर सकते हैं राजा साहब, लेकिन मोहब्बत नहीं डरती। आज मैं आपसे एक चीज तो लेकर ही रहूंगा, महबूबा या मौत। राजा साहब इन पे रहम करें, प्यार करना कोई पाप नहीं है। रहम, 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 रहम। प्यार जंजीरे तोड़े, प्यार टूटे दिल जोड़े। प्यार मीरा का प्याला, प्यार ना मिटने वाला। प्यार संतो झोंका, प्यार है ईश्वर अल्लाह। प्यार है गीता, प्यार है बाइबल, प्यार है कुरान है। प्यार तो एक इम्तिहान है, प्यार तो एक इम्तिहान है। जाओ अर्जुन को सहारा दो।
एक बाप का दिल पिघल गया और पृथ्वीराज ने रहम रहम की पुकार सुनकर तुम्हें खैरात में दे दिया। एक बाप का दिल, दिल की धड़कन उसकी बेटी। लेकिन अब पृथ्वीराज का क्या होगा? पृथ्वीराज का, पृथ्वीराज के वकार का क्या होगा? पृथ्वीराज की आत्मा का क्या होगा? अब तुम देखोगी और दुनिया भी देखेगी। सूरज अपनी रोशनी की चमक दमक से खुद जलता रहता है, क्या वो अपने आप को उस रोशनी की तपत से बचा सकता है? क्या चांद अपनी चांदनी त्याग सकता है? क्या सितारे अपना टिमटिमाना थाम सकते हैं? वो खून जो हमें विरासत में मिला, वो खून जो हमें विरासत में मिला, वो कैसे निकलेगा? वो खून कैसे निकलेगा सिवाय सिवाय अपनी जान दिए बगैर, सिवाय सिवाय अपनी जान दिए बगैर, सिवाय सिवाय अपनी जान दिए बगैर। हम जीत कर भी हार गए और राजा तुम हार कर भी जीत गए। अब सबकी फरियाद कौन सुनेगा? फरियाद हम सुनेंगे।